हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। आपकी रणभूमि में आते ही वो भीरू डर कर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, इंद्रजीत नाम है उसका। उसके शौर्य की महत्वाकांक्षा की महिमा महाराज विभीषण से सुनकर भी ऐसी भ्रांत धारणा कर रहे हो उस योद्धा के लिए? शस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। हमारा उद्धार करने वाले पक्षीराज, हमारा आपका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता की है, हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे सहस्त्र नाम सर्वनियंता, मुझे अपना पार्श सेवक ही समझिए। हे रघुकुल शिरोमणि आर्य श्रेष्ठ, भविष्य के लिए आपसे इतना ही निवेदन है, सदैव सचेत सावधान रहकर ही इन आतताइयों से युद्ध करें। शत्रु के बलाबल की थाह मैंने पाली है, आज नागपाश से बच गए तो क्या, कल मैं अपने सबसे शक्तिशाली अभिमंत्रित अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध का निर्णय कर दूंगा। अभिनंदन का ये हर्षनाद संध्या ढले तक करुण क्रंदन में बदल जाएगा। हमारी सारी आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है इंद्रजीत। लंका के सागर तट पर दो भाइयों की चिता सुलग रही हो, वहां सरयू किनारे दूसरे दो भाइयों को जल समाधि देकर अयोध्या को लंका के अधीन करके तुम अयोध्यापति कहलाओ, यही हमारी अभिलाषा है बेटे। होगा, ऐसा ही होगा। राम पर विजय प्राप्त करके आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी करेगा आपका ये इंद्रजीत विजयी। इंद्रजीत ने शक्ति को तब कीनो आहान, बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी, रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भाई बरछी, सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए, नहीं काहू के रोके रुकी बरछी, लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो सीधी उर माही धसी बरछी।
पैदराज, पैदराज क्या कुछ आशा है ना? हृदय पर गहरा घात है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां चार महा औषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल एक रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना यह मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल रे मत, भैया को रुलारे बोल कछु बोल। लक्ष्मण के प्राण सूर्योदय से पूर्व ही आ पहुंचे हनुमान। वैद्यराज, वैद्यराज, मैं बूटी ले आया। अरे महावीर, तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। क्या करता वैद्यराज, मैं ठहरा अज्ञानी, आयुर्वेद आचार्य तो हूं नहीं जो जड़ी बूटी की पहचान कर लेता, इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया हूं। आप अपने आप पहचान कर लीजिए ना उस संजीवनी की। चलिए वैद्यराज जी। ती की मांग जगदम्बा भी नहीं टाल सकेगी। इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है कि हम कर्महीन की भांति श्री राम प्रभु को तिल तिल करते मृत्यु की ओर जाते हुए देखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं। मैं लंका को विध्वंस कर दूंगा, मेरी अंतिम श्वास तक राक्षसों से टक्कर लेती रहेगी। हम लंका को शमशान बना देंगे। अंगद, इसी समय तैयार हो जाओ। अब इन सब बातों से क्या लाभ महाराज सुग्रीव, जिनके लिए जीवन मरण का संघर्ष हो रहा था, जब वो ही पराभूत हो गए तो? अर्थात हम पराभूत हो गए, पराभव हो गया हमारा। हम पराजय मानकर गर्दने नीचे झुकाकर चले जाए यहां से? नहीं नहीं, कोई तो उपाय होगा। जामवन जी, आज पहली बार हमें ऐसा भान हो रहा है जैसे वृद्धावस्था ने आपके हृदय को उत्साहहीन और दुर्बल बना दिया है। कौन सा ऐसा रोग है जिसका निदान नहीं? कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे मुक्त होने का विधान नहीं? हनुमान जी को भी तो मेघनाथ ने इसी पाश में बांधा था, वो कैसे बच निकले थे उससे? आंजने हनुमान को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान देकर नागपाश की शक्ति से मुक्त कर दिया। वो जब चाहे उस शक्ति से मुक्त हो सकता है। उसी वरदान से हनुमान को आज भी
श्री राम लक्ष्मण को इस पाश से मुक्त करा के नवजीवन दिलाने का उपाय करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सहायता करनी चाहिए। किंतु इस संकट की घड़ी में संकट मोचन मारुति है कहाँ? पूज्यवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान इस समय है कहाँ? आपको कुछ ज्ञात है? नहीं बस। कहीं इंद्रजीत उन्हें फिर बंदी बनाकर तो नहीं ले गया? उनकी भी खोज करो, पता लगाओ कहाँ है पवन पुत्र। जब उनके आराध्य श्री राम प्रभु भ्राता लक्ष्मण के साथ संकट में है, ऐसी विपदा की घड़ी में वह हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये समय भारी विपदा का है गरुड़ भगवान, आपके सिवाय नागपाश का निदान कोई नहीं कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए बैठे हैं। यदि श्री राम प्रभु की इस समय प्राण रक्षा न की गई तो देवताओं के जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं प्रभु को उसी अवस्था में छोड़कर सीधा आपके पास चला आया हूँ। उधर कद्रु के पुत्र वो नाग श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया के शिराओं से सारा जीवन रस चूस रहे होंगे। संसार का बंधन काटने वाले अखिलेश्वर स्वयं आज बंधे पड़े हैं। ऐसे में आप किस सोच में पड़े हैं? नारद जी, सब भगवान का आदेश मिले बिना मैं वहां कैसे जाऊं? न जाने वो कौन सी लीला कर रहे हैं। हे खगेश, आपत्ति काले मर्यादा ना अस्ति। पल पल रात व्यतीत हो रही है, क्षण क्षण माता कद्रु के पुत्र वो नाग प्रभु का जीवन रस चूस रहे हैं। अवतार का हेतु पूर्ण नहीं होगा, अधर्म अत्याचार के आतंक से धरती माता मुक्त नहीं होंगी। तनिक विचार करो गरुण जी, श्री राम और लक्ष्मण का ही अंत नहीं होगा। उनके साथ लंका में वैदेही देह त्याग देंगे। श्री राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भरत प्राण विसर्जन कर देंगे। भरत के बिना शत्रुघ्न जीवित नहीं रहेंगे। सूर्य क्षवाकु और रघु का कुल सूर्य सदा को अस्त हो जाएगा। अयोध्या अनाथ होकर असुरों की दास हो जाएगी। गरुण जी, कल्याणकारी हेतु निमित्त मर्यादा भंग में दोष नहीं। अपने परों में पवन का वेग भरकर मेरे साथ उड़ान कीजिए और अयोध्यानाथ को कराल काल व्याल से विमुक्त कीजिए। इस समय आपका यही धर्म है जो भगवान शिव के अंशावतार आपको कह रहे हैं। चलो पवन पुत्र, तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि। वो देखो पवन पुत्र बजरंगबली अंजने आ रहे हैं और साथ में खगराज गरुड़ भी आ रहे हैं। जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि। हे शांताकारं तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि नारायणाय। पंखों से हो वेद ध्वनि अधरों पर हरि नाम, सम्मुख पाकर नाथ को सेवक कियो प्रणाम। विस्मित होकर
विस्मित होकर गरुड़ प्रभु के मुख की ओर निहारे। ये कैसे बंधन, ये कैसे बंधन बीच बंधे हो बंधन काटन हारे, बंधन काटन हारे। ब्रह्मास्त्र का मान ना जाए बंधन में स्वयं बंधाए, तुम्हारी लीला ओ तुम्हारी लीला तुम ही जानो राम रमापति प्यारे, राम रमापति प्यारे। मुख देखत मन ना घावे पुनि पुनि चरणन सिर नावे, भूल गया ओ भूल गया केही कारण आया भक्ति विभोर भयारे, मुख की ओर निहारे। हे खगराज किस विचार में खो गए हैं? मेघनाद ने आप दोनों को नागपाश में बांध दिया था, हम सब आशा छोड़ चुके थे, परंतु पक्षीराज गरुड़देव ने आप दोनों को नया जीवन प्रदान किया है। नागपाश से हमारा उद्धार करने वाले पक्षीराज, हमारा आपका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता की है, हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे सहस्त्रनाम सर्वनियंता, मुझे अपना पार्श सेवक ही समझिए,
हे रघुकुल शिरोमणि आर्य श्रेष्ठ, भविष्य के लिए आपसे इतना ही निवेदन है, सदैव सचेत सावधान रहकर ही इन आतताइयों से युद्ध करें। आप युद्ध में भी धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले निश्चल योद्धा हैं। अधर्मी राक्षस स्वभाव से ही कपट युद्ध करने वाले होते हैं। क्रूर कर्मा इंद्रजीत ने माया के द्वारा जिस नागपाश में आपको बांधा था, वो तीखे दांतों वाले विषधर कद्रु के पुत्र नाग ही थे। राक्षसी माया से प्राणांतक बाणों का रूप धारण करके आपका अंत करने आए थे। परंतु हम तो आपसे पहले मिले ही नहीं। हे देव, आप यथार्थ में कौन है? हे दशरथ नंदन, हे युग पुरुष पुरुषोत्तम, इस समय आप जिस युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में संघर्षरत हैं, उसमें विजय श्री प्राप्त करके जब अपने अवतार को पृथ्वी पर सार्थक कर देंगे, तो आप स्वयं ही मेरी सेवा के संबंध को जान लेंगे। प्रभु का पूछत हो परिचय स्वामी, तुम सब जानत अंतर्यामी। जब निज धाम लौटी प्रभु आई हो, सेवक को तब परिचय पाई हो, सेवा काव सर मोह दीन हो, बहुत अनुग्रह मो पर कीन हो, राम लखन के दर्शन पाई, मैं कृत कृत्य भयो रघुराई, मैं कृत कृत्य भयो रघुराई। करके पुण्य प्रदक्षिणा नाथ ही कियो प्रणाम, वेद ध्वन कर तो भयो गरुड़ चलो निज धाम। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि। धन्य हो पक्षीराज गरुड़, तुम सदा देवताओं में ऊंचा स्थान पाकर गणेश कार्तिकेय के समान तीनों लोकों में पूजित रहोगे। प्रभु, वानर सेना उच्च शिविर में जय घोष की अनुमति चाहती है। किस उपलक्ष में अंजने, निस्तब्ध रात्रि के मध्य में जयनाद क्यों? क्या हमने विजय प्राप्त कर ली? क्या राम रावण संग्राम का निष्कर्ष प्राप्त हो गया? युद्ध का उद्देश्य पूर्ण हुआ? नहीं अवधेश, हमारे जय घोष का उद्देश्य किसी प्रकार के अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। आप पर आए संकट के समाचार से सीता माता चिंता सागर में डूब गई होंगी। उनके हृदय पर छाए विषाद का निवारण करने के लिए अपने जयनाथ से उनको इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि कुशल मंगल से हैं। हाँ भैया,
हमारी सेना के हृदय में उमड़ते उल्लास का भाभी तक पहुंचाने का एक यही साधन है। जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम। राम के शिविर से गूंजता हुआ जय घोष, शंखनाद, जय जयकार। सीधा अर्थ है कि श्री राम और लक्ष्मण पर आई हुई विपत्ति टल गई है। जगदम्बा ने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है बेटी। सुन, आज तेरे नाम के साथ श्री रघुनाथ का नाम लेकर जय घोष कर रहे हैं। सच सच माता? ये घोष मात्र नहीं, घोषणा है, अटल सत्य है, भविष्यवाणी है जो उनके अंतर से निकल रही है। ये अवश्य श्री राम और लक्ष्मण जी के कुशल समाचार तुझे सुनाने के लिए ही वहां जयनात कर रहे हैं। कहते थे सवेरे का सूरज राम लक्ष्मण के जीवन के सूर्यास्त का समाचार लेकर आएगा। क्या मृत्यु के शोक में जयनाद गूंजता है? पिताश्री, मैं स्वयं इस शंखनाद से संशय में पड़ गया हूं। विषाद में से ये विजयनाद के स्वर कैसे गूंजने लगे? निस्संदेह ये वानर सेना की खीज नहीं, हर्षोल्लास की उमंग हमारा मुंह चिड़ा रही है। व्यंग बाणों से प्रहार करके शत्रु हमें चुनौती दे रहा है। जो अनिष्ट मंगल करके तुम आए थे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पिताश्री, अपने नाग पाश में राम लक्ष्मण दोनों को बांधकर मृत्युन्मुख करके छोड़कर आया हूँ। महाराज की जय हो। गुप्तचर शुक तुरंत दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। आने दो। ईश्वर की जय हो। क्या समाचार लाए हो? शत्रु दल में कैसा कोलाहल मचा है? महाराज, ये कोलाहल नहीं है, वानर सेना में हर्ष अतिरेक का उत्साह उमड़ रहा है। किस कारण? लक्ष्मण और श्री राम। मत कहो उसे, केवल राम कहो, जिसे हमारा इंद्रजीत मुक्त करके छोड़ आया है। हाँ महाराज, वही राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए हैं। असंभव। युवराज, लगता है उनके यहाँ असंभव शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। कैसे संभव हुआ? किसने किया ये चमत्कार? पक्षियों के राजा गरुड़ ने उन्हें नागपाश से मुक्त कर दिया। गरुड़? गरुड़? वो गरुड़ जो विष्णु का वाहन है, क्या वही गरुड़ है? हाँ महाराज, और किसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि नागपाश को छिन्न भिन्न कर सके? किसकी शक्ति का बखान कर रहे हो शोक,
जब वैकुंठ पर चढ़ाई करके हमने विष्णु के सुदर्शन चक्र को प्रभावहीन कर दिया था, तब यही गरुड़ हमारी चंद्रहास खड़क से आक्रांत होकर मुंह छुपाकर क्षीर सागर में जा छुपा था। उस दुष्ट ने इतना बड़ा दुस्साहस कर डाला, अब सबसे पहले हमें उसे दंड देने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा। नहीं पिताश्री, घर में घुसे शत्रु का सफाया किए बिना एक पक्षी के पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है। शत्रु के बलाबल की थाह मैंने पाली है, आज नागपाश से बच गए तो क्या, कल मैं अपने सबसे शक्तिशाली अभिमंत्रित अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध का निर्णय कर दूंगा। अभिनंदन का यह हर्षनाद संध्या ढले तक करुण क्रंदन में बदल जाएगा। हमारी सारी आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है इंद्रजीत। लंका के सागर तट पर दो भाइयों की चिता सुलग रही हो, वहां सरयू किनारे दूसरे दो भाइयों को जल समाधि देकर अयोध्या को लंका के अधीन करके तुम अयोध्यापति कहलाओ, यही हमारी अभिलाषा है बेटे। होगा, ऐसा ही होगा। राम पर विजय प्राप्त करके आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी करेगा आपका ये इंद्रजीत विजयी। लक्ष्मण, क्या नागपाश का विष नहीं उतरा अभी जो तुम्हें बेमौत मरने भेज दिया? अपने बल पे इतराने वाले अंगद हनुमान कहां जाकर चुप गए? जय श्री राम। हनुमान को जब याद करोगे प्रकट हो जाएगा। वध करने नहीं आया, जिसने मेरे भाई अधिकार का वध किया है उस लक्ष्मण से जाकर कहो कि कायरों की तरह मुंह न छुपाए, सामने मैदान में आए,
उसकी मौत से ललकार रही है। भाग लक्ष्मण। क्या बात है अंगद? क्या मेघनाथ रणभूमि छोड़कर भाग गया? कल की विजय ने उसे उन्मत्त कर दिया लक्ष्मण भैया। बार बार गरज गरज कर आपको ललकार रहा है। कह रहा है कि कल के नागदंश के घाव भरे नहीं, या इंद्रजीत की मार से डर कर इंद्रजीत से सामना करने का साहस नहीं रहा। भैया आज्ञा दीजिए, मेघनाथ की गर्जन समाप्त करने के लिए मेरे अस्त्र अधीर हो रहे हैं। किंतु तुम इतने अधीर न हो धीरवीर। उसका नाम मेघनाथ है, गरजना तो मेघ का स्वभाव है। वीर सौमित्र, उत्तेजित होकर नहीं, एक धीर योद्धा की भांति जाओ। प्रभु, लक्ष्मण जी की सुरक्षा और सहायता के लिए कुछ योद्धा उनके साथ रहे। विभीषण जी, इन मायावियों की कपट लीला को विभीषण जी भली भांति जानते हैं। हमें उनके परामर्श की अवहेलना नहीं करनी चाहिए सौमित्र। अंगद। आज्ञा प्रभु। तुम, हनुमान, नल, नील, तत्परता पूर्वक लक्ष्मण के आसपास रहना। जो आज्ञा। से खिलवाड़ करने में आनंद नहीं। किसी वीर की वीर के साथ टक्कर हो तो योद्धा की रणपिपासा पूरी होती है। अपने राम और लक्ष्मण से कहो कि सामने आए, या अपने अस्त्र शस्त्र हमारे चरणों में डालकर अयोध्या वापस लौट जाए। तुम निशाचरों को यमलोक भेजे बिना हम अयोध्या कैसे लौट जाए मेघनाथ? आ गया तू, अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को साथ नहीं लाया? बढ़ बढ़ कर नाद ना कर मेघनाथ। मेघनाथ के सिंहनाद का परिणाम तो तू देख ही चुका है। कल बच गया, लेकिन आज साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे बचाने आ जाएंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। Thank you.
राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिवान टकरावे तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे हर हर महादेव हर हर प्रत्यक्ष पल में अदृश्य कभी धरती पर कभी अंबर में कभी धरती पर कभी अंबर में ये मायाधारी मेघनाद अति सूक्ष्म रूप धर पल भर में सूक्ष्म रूप धर पल भर में सौमित्र नहीं कम किसी भात रण कौशल के इस जौहर में रण कौशल के इस जौहर में दोनों सुवीर दोनों अजय दोनों दोनों की टक्कर में इस महासमर को देख देख सुर नर मुनि जन अकुलावे तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे हर हर महादेव हर हर कर दूर करे प्रहार कभी आ लक्ष्मण के पास लड़े लक्ष्मण के पास लड़े श्री राम शपथ लेकर लक्ष्मण करने असुरों का नाश लड़े करने असुरों का नाश लड़े मेघनाद के माध्यम से रावण के अंतिम आस लड़े रावण की अंतिम आस लड़े शावतार धर लखन रूप इत रघुवर का विश्वास लड़े रघुवर का विश्वास लड़े अपने अपने वीरों की दोनों दल वीरावली गावे तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे हर हर भैया वो कपट युद्ध पर उतर रहा है अदृश्य होकर प्रहार कर रहा है भैया मुझे आज्ञा दीजिए संपूर्ण राक्षस जाति का नाश करने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं नहीं लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है शास्त्र उसके प्रयोग की आज्ञा हर परिस्थिति में नहीं देता अतः हमें उत्तेजित होकर धर्मयुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए परंतु राक्षस लोग किसी नीति को नहीं मानते वो युद्ध में छल कपट का सहारा लेकर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं उनके मायावी शस्त्रों से बचने के लिए एक ही रास्ता है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए युद्ध नीति कहती है अयुद्धमानम प्रच्छन्नम प्रांजलिम शरणागतम पलायमानम मत्तम वा नहंतुम त्वमी हार्मसे अर्थात जो सन्मुख युद्ध न कर रहा हो शरण में आ गया हो युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे महासंहारक अस्त्र का प्रयोग वर्जित है परंतु नहीं लक्ष्मण नहीं अधर्म द्वारा प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती जो आज्ञा भैया Thank you.
जखन सो विफल भय सब बाण इंद्रजीत ने शक्ति को तब कीनो आहान बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भाई बरछी सब रोकन हारे हार गए सब रोकन हारे हार गए नहीं काहू के रोके रुकी बरछी लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो सीधी उर माही धसी बरछी योद्धाओं उठा लो इसे डाल दो रथ पर ले चलो पिताश्री के सम्मुख ये तो धरती में गड़ गया है युवराज हट जाओ इंद्रजीत की विजय का उपहार लंकेश को मैं भेंट करूंगा धर को हाथ लगाया तो धरती में समा जाओगे मेघनाथ ये स्वयं धरती को अपने फन पे धारण करने वाले हैं तुम जैसे पापी के हाथों नहीं उठ सकते मेघनाथ सो नहीं उठे हनुमान जी ये क्या हो गया है हनुमान जी वीरवर लक्ष्मण को ये क्या हो गया है अनर्थ हो गया सुग्रीव महाराज अनर्थ हो गया लक्ष्मण लक्ष्मण क्या हुआ लक्ष्मण को लक्ष्मण वीरवर हनुमान मेरा लक्ष्मण जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता है वही आज मेरे सामने नयन मूंदे पड़ा है ये कैसे हुआ प्रभु धरणीधर जब धरती पर गिरे सूर्य चंद्र की गति थम गई परंतु क्यों किस कारण ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया क्या
क्या ये भी कोई निशाचरी माया है? अयोध्यानाथ, ये निशाचरी माया नहीं। मेघनाथ ने घात लगाकर वीर घातनी शक्ति का प्रहार किया है। घोर तपस्या करके रावण कुमार ने ये प्राण घातनी शक्ति प्राप्त की थी। जब कोई उपाय नहीं दिखता तब कभी कभार ही वो इस शक्ति का प्रयोग करता है। संभव है तीव्र विषैले नाग का काटा बच जाए, यम पाश से भी प्राण न जाए, परंतु इस वीर घातनी शक्ति से बचना असंभव है। नहीं, नहीं लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण, नहीं। भैया, मेरे भैया, तुम इसलिए तो मेरे साथ वन में नहीं आए थे। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, कि धरती फट जाएगी और राम उसमें समा जाएगा। श्री लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाया हूं, अब राम का भी मस्तक काट कर आपके चरणों में ला दूं तो प्रतिशोध की ज्वाला बुझे। इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। लक्ष्मण मर्दन करने वाले, तुम्हारी जय हो। अयोध्या के होने वाले अधीश्वर, तुम्हारी जय हो। धन्य हो वीरवर इंद्रजीत, तुमने पराजय की कगार पर पहुंची लंका की सेना में एक नई आशा का संचार कर दिया है। तुमने हमारी हारी हुई बाजी को जीत में पलट दिया है। लंका सदा तुम पर गर्व करेगी। हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन का अभी समय नहीं आया। अभिनंदन तो उस दिन कीजिएगा जिस दिन सारे उत्पात की असली जड़ को उखाड़ कर अस्तित्वहीन कर दूंगा। राम का मस्तक लाकर लंका के मुख्य द्वार पर लगाकर अपने काका कुंभकर्ण की प्रतिशोध की आग ठंडी करूंगा। उस दिन दिग दिगंत पर लंका का जयनाद गूंजेगा। पिताश्री, लंकेश्वर की संपूर्ण विजय होगी। धरती, आकाश, पाताल लंका की जय जयकार में गूंज उठेंगे। आज विजय में एक ही कसर रह गई कि लक्ष्मण का मृत शरीर लाकर आपके चरणों में भेंट नहीं कर सका। उठाते उठाते वो मरकट हनुमान बीच में आ गया और झपट कर ले गया। ले जाने दो वत्स, मुर्दे को घर में लाकर क्या करना है? मुर्दा शुद्ध होता है, मुर्दे का स्थान मरकट में ही होता है। राम भी देख लेगा, शीघ्र ही उसका भी इसी प्रकार अंत होने वाला है। उसे भी अपने भाई के मृत शरीर से लिपट कर रो लेने दो। पिताश्री, अधमरा तो अपने भाई की दुर्गति देखकर ही हो गया होगा। पूजनीय नाना जी, मैंने रघुवंश को निर्वंश करने का पीड़ा उठाया है। राम समुद्र पर सेतु बांधकर लंका में आया था। मैं राम की सेना के एक एक वीर को मारकर उनके मृत शरीरों का अयोध्या तक बिछा दूंगा और उन पर रौंदता हुआ विजयनाथ के साथ लंका की जय पताका फहराता हुआ अयोध्या में प्रवेश करूंगा। वत्स इंद्रजीत, वीर पुरुष कर्म करते हैं, पहले ही अपने मुख से उसका बखान नहीं करते। नहीं माल्यवान जी, हमारे इंद्रजीत ने सदा जिस कार्य का संकल्प किया
उसे करके दिखाया। हे रघुवंश विजयी, अयोध्या के भावी नरेश, हमें तुम्हारे अजय पराक्रम पर पूरा विश्वास है। हे वीर वन इंद्रजीत, राम की मृत्यु के पश्चात हम तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन करके अपने हाथों राज तिलक करेंगे तुम्हारा। प्रतिहारी, हमारे गुप्तचरों को आदेश दो, लक्ष्मण की दशा की पल पल की सूचना हमें मिलनी चाहिए। और नगर में घोषणा कर दो, लंकावासी अपने युवराज की विजय का उत्सव मनाएं। जैसे ही लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार मिले, शंखनाद हो, दुंदुभियां बज उठे, जिससे सीता भी यह शुभ समाचार सुन सके। जाओ। यदि लक्ष्मण नहीं रहेगा तो ये राम भी नहीं रहेगा। महाराज विभीषण, मुझे खेद है, मैंने बड़े गर्व से आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया था, परंतु मेरा वो वचन अब झूठा हो जाएगा। अयोध्या नाथ। हाँ विभीषण जी। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं प्रभु आप? मैं सत्य कह रहा हूं, यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो फिर आप लोग राम को भी जीवित नहीं पाएंगे। महाराज सुग्रीव, वृक्षराज जामवंत, महाबली केसरी, नल, नील, आप सभी लोगों ने अपने अपने प्राण दांव पर लगा दिए मेरे लिए, दुर्धर्ष युद्ध किया, परंतु दैव के आगे किसी का वश नहीं चलता। यदि मेरी मृत्यु भाई के बिछोह में ही लिखी है तो उसे कौन टाल सकता है? अवधेश, आपको दारुण दुख देने वाले का मैं नामो निशान मिटा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा, लंका को मिट्टी में मिला दूंगा। किस लिए कपीश्वर, किसके लिए? लक्ष्मण जैसे भाई को गंवाकर यदि यह युद्ध जीत भी लिया तो किस काम का? लक्ष्मण बिना अयोध्या का राज कैसे भोग सकूंगा और अयोध्या ही कैसे जा सकूंगा? माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो पूछेंगी कि मेरा लाल कहां है। राम बेटे, मैं लक्ष्मण को तुझे सौंप रही हूं, सुमित्रा और उर्मिला की धरोहर है, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे लौटाना। माता, मैं तुम्हारी धरोहर को सुरक्षित नहीं रख सका। माता सुमित्रा, मैं तुम्हारे लाल को युद्ध की अग्नि में झोंक कर अकेला राजमहल में आ गया हूं। 14 वर्ष से तिल तिल कर विरह अग्नि में झुलसती उर्मिला,
जब अपने पति की अगवानी करने उमंग के साथ मेरे सामने आएगी तो क्या उत्तर दूंगा? मैंने अपनी पत्नी को पाने के लिए जो युद्ध किया और मिले उसमें तेरे पति की आहुति दे दी। नहीं, लक्ष्मण के साथ जीवन मरण का यह सारा संघर्ष समाप्त हो गया। राम राम नहीं रहा, केवल उसका अवशेष मात्र है, शेष मात्र है। लंका में हर रोग के निष्णांत राजवैद्य सुषेण जी से यदि नाड़ी परीक्षा कराई जा सके तो संभव है वो कुछ उपचार बता सके, परंतु लंका से उन्हें लाना ही असंभव है। असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। मैं लेकर आऊंगा वैद्यराज को, लंका में कहां निवास है उनका? लंका के उत्तर पश्चिम द्वार के मध्य कोण में वनस्पति उपवन में प्रयोगशाला है, उनका वास सदा वही होता है। प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं लेकर आऊंगा वैद्यराज को। जैसी तुम्हारी इच्छा। हनुमान, शत्रु के गढ़ में जा रहे हो, हमें चिंता रहेगी, सावधानी से जाना। जय श्री राम। श्री हनुमान महाबली दुख मेटन सुख दे, सूक्ष्म रूप धरि लंक में ढूंढे वेद सुषेण, ढूंढे वेद सुषेण। लगता है यही वैद्यराज हैं। श्रीमान जी, वैद्यराज सुषेण आप ही हैं ना? हाँ मैं ही हूँ, कहिए। कहिए क्या, चलिए। कहाँ? जय श्री राम। अरे ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ 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 बचाओ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? अरे
अरे भाई तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? आपका कल्याण करने, सीधा प्रभु के पास। तो क्या तुम यमदूत हो? किंतु मेरी आयु अभी पूरी नहीं हुई है भाई, मरने का समय नहीं आया है। आपका पुण्य उदय हुआ है वैद्यराज, जीते जी प्रभु का सौभाग्य प्राप्त होगा। परंतु तुम हो कौन? मैं हनुमान। हनुमान? वही जो लंका में आकर लंका को जलाकर धूम मचाकर भाग गया था, वही हनुमान हो? हाँ श्रीमान जी, वही हनुमान। मुझे इस तरह उड़ाकर कहाँ लिए जा रहे हो? श्री राम प्रभु की सेवा में। परंतु क्यों? चलिए तो सही, वहाँ चलकर सब विदित हो जाएगा। श्री राम प्रभु को आपकी आवश्यकता है। रघुवर के सब काज कपि कर डारे छिन माही, पवन पुत्र के कोश में शब्द असंभव नाही, शब्द असंभव नाही। सुषेण वेद को पूरे भवन समेत उठाकर ले गया तो वश विराट वानर हनुमान होगा। तुम सब क्या सो रहे थे? नहीं महाराज, हम सब पूरी तरह सचेत थे। वो जय श्री राम का नाद करता हुआ हवा हो गया। प्रलाप बंद करो, मुख्य गुप्तचर शुक को तुरंत हमारी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ। नहीं नहीं विभीषण जी, ये सर्वथा अनुचित है। मैं शत्रु पक्ष के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार मुझे लंका से लाए हैं उसी प्रकार तुरंत मुझे लंका ही में पहुंचा दिया जाए। मैं लंकेश का राजवैद्य हूं। वैद्यराज सुषेण, आप वैद्य हैं, आपका धर्म है रोगी का उपचार, उसकी पीड़ा हरना और प्राण रक्षा करना। परंतु राजभक्ति मेरा धर्म है, मैं लंका निवासी हूं, अपने देश के शत्रु को नहीं बचा सकता। धर्म और अधर्म की व्याख्या सर्वदा एक नहीं होती वैद्यराज, हर परिस्थिति के अनुसार धर्म की व्याख्या बदल जाती है। वैद्य का धर्म है सबकी पीड़ा हरना और उनके प्राणों की रक्षा करना, तो सारी मानव जाति का हो जाता है। उसके लिए देश और काल की सीमा नहीं रहती। वैद्यराज, धर्म संकट तभी उपस्थित होता है जब दो धर्मों की तुलना में एक को अपनाने की स्थिति उत्पन्न होती है। तब यह देखना चाहिए कि कौन सा धर्म बड़ा है। आपके सामने एक ओर देशभक्ति और दूसरी ओर एक वैद्य का शाश्वत धर्म है, दोनों में से किसे अपनाएंगे आप? वैद्य का शाश्वत धर्म है आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करना। वैद्य किसी एक के लिए नहीं परंतु सारी मानव जाति के दुख दर्द की रक्षा का उपाय करने और उसकी पीड़ा हरने के लिए है। यही चिकित्सक का सर्वोपरि एकमात्र धर्म है। क्या इससे विमुख होकर आप आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों से विश्वासघात करेंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी विद्या अभिशप्त हो जाएगी, उसकी दिव्यता चली जाएगी। आपके हाथों दी हुई औषधि फिर फलहीन हो जाएगी। परंतु राजनीति का सिद्धांत कहता है आपको मेरा विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूं, आपके रोगी का अहित कर सकता हूं। वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वैद्य और रोगी के बीच तो केवल विश्वास की एक अलौकिक डोर होती है। वैद्यराज, मैं अपने भाई को आपको सुपुर्द करता हूं। राजभक्ति का पालन करने के लिए चाहे तो इसके प्राण ले लीजिए, अथवा वैद्य का धर्म पालन करने के लिए इसे जीवन दान दे दीजिए। यह मैं आप पर छोड़ता हूं। रघुनाथ,
आप पर मुझे पूरा विश्वास है। विलंब न कीजिए, आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी का कल्याण ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म है। इसी विश्वास से मैं आपको लेकर आया हूं। श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण को आपके हवाले कर दिया है, अब आप इन्हें जीवन दीजिए या मरण। शत्रु मानकर व्यवहार कीजिए अथवा रोगी मानकर उपचार कीजिए। किसी एक के लिए नहीं, परंतु सारी मानव जाति के दुख दर्द की रक्षा का उपाय करने और उसकी पीड़ा हरने के लिए है। वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वैद्य और रोगी के बीच तो केवल विश्वास की एक अलौकिक डोर होती है। आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी का कल्याण ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म है। हे श्री राम, हे हनुमान जी, हे विभीषण जी, मेरी आत्मा को झिंझोड़ कर जागृत कर दिया आपने, धर्म से विचलित होने से बचा लिया आपने। वैद्य और रोगी के बीच जो अदृश्य और अलौकिक संबंध होता है, भयवश उसे मैं भूल गया था। भगवान धन्वंतरी मुझे क्षमा करें, अपने रोगी को आरोग्य प्रदान करें, मुझे धर्म पालन की आत्मशक्ति प्रदान करें। वैद्यराज, वैद्यराज, क्या कुछ आशा है ना? आयुर्वेद अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ता श्रीराम। हृदय पर गहरा घात है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? मेरी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे इनका उपचार कर सकूं। वैद्यराज, रघुवीर, अधीर होने से रोगी की पीड़ा दूर नहीं होती। उपाय है लेकिन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहां से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्य उदय से पहले लौटकर आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ।
वैद्यराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, कहिए तो ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके भी रात रात में लौट आऊं। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो, कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां चार महाऔषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम हैं विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी। इनमें से एक घावों को भर देती है, दूसरी कटे हुए अंगों को जोड़ देती है, तीसरी विकलांग अथवा विकृत शरीर को यथावत रूप दिला सकती है, चौथी मृत संजीवनी जो यदि समय पर मिल जाए तो मृतक को जिला सकती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल एक रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए, तभी इस उपचार का लाभ हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। असंभव तो असंभव ही रहेगा, कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमंत, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना यह मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। तुम कभी असफल नहीं हो सकते हनुमंत। जय श्री राम। वैद्यराज, उस बूटी की पहचान तो आपने बताई नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना ये औषधियां तुम्हें नहीं मिलेंगी, तुम्हारे जाते ही लोप हो जाएंगी। इसलिए उनके संरक्षक देवताओं से प्रार्थना करना, वो तुम्हारा हेतु धर्ममय है ये जानकर तुम्हें अवश्य अनुमति देंगे। जो आज्ञा। संजीवनी लावन चले कपि कह जय श्री राम, करुण अवस्था में यहां सोचे करुण धाम, क्या जीवन का आए यदि बंधु के काम नहीं, भाई को जो आज बचा न सका कोई राम का लेगा नाम नहीं, जगवा जग में सब कुछ है भाई जैसा सुख धाम नहीं, है जोड़ी राम और लक्ष्मण की ल।
लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं, लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। हनुमान चला गया सुषेण की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौटकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लीजिए हनुमान का फंद कट गया, अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खो में मुंह छुपाकर बैठ जाएगा। युवराज ऐसा ना कहें, आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना नहीं। शुक, हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। किसी प्रकार उसे रास्ते में ही समाप्त कर दिया जाए। हाँ, यदि ऐसा कुछ उपाय हो सके तो आज की काली रात लक्ष्मण के काल की काल रात्रि बन जाएगी। किंतु यह कार्य हमें अत्यंत गुप्त रूप से माया जाल बिछाकर करना होगा। चुक, तुम अपने सबसे विकट मायावी काल नेमी को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ, ठहरो। उस अद्भुत मायावी के पास हम स्वयं जाएंगे, स्वयं। तुम्हारी मायावी शक्ति अपार है, तुम अपने मायावी कौशल से हनुमान से बढ़कर तीव्र गति से जहां चाहे वहां जा सकते हो। आज माया से, कपट से, युद्ध से जिस प्रकार बने साम दाम दंड भेद, आज की रात हनुमान को रोक लो। हे प्रतिपालक, आज तक हनुमान ने जो जो चमत्कार दिखाए हैं उनके आगे हमारे सारे छल कपट ओछे पड़ गए हैं। वो 100 योजन समुद्र पार करके लंका में आया, कोई उसका कुछ नहीं कर सका। आपने उसकी पूंछ जलाई, वो सारी लंका को जलाकर त्राही त्राही मचा गया। इंद्रजीत ने नागपाश में जकड़कर राम लक्ष्मण का अंत करना चाहा और वो बात की बात में आकाश में पहुंचकर गरुड़ को ले आया। हम मुंह की खा कर रह गए। कालनेमी, अधिक बखान करने की आवश्यकता नहीं। आज का कार्य तो दुष्कर भी नहीं, उससे युद्ध करने और टक्कर लेने की भी आवश्यकता नहीं। केवल रात्रि प्रहर पर हनुमान को भरमाकर मार्ग में अटकाए रखने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सूर्य की पहली किरण के साथ लक्ष्मण की आखिरी सांस भी समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसा हो सके तो होगा, अवश्य होगा कालनेमी, अवश्य होगा। तुम निशाचर हो, काल रात्रि में निशाचर की मायावी शक्ति, छल और बल दुगना हो जाता है। तीव्र गति से जाकर हनुमान को रास्ते में ही रोक लो, बस फिर हमारी जीत ही जीत है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो तो वही देखेगा जो जिएगा। कालनेमी, विलंब न करो, तुरंत प्रस्थान करो। जो आज्ञा लंकेश। प्रणाम जन्मभूमि, प्रणाम लंकेश। अब आप प्रातःकाल की प्रतीक्षा करें। कालनेमी, हम प्रातःकाल की प्रतीक्षा करेंगे, जब शत्रु दल में लक्ष्मण के मरण से हाहाकार मचा होगा और लंका में विजय घोष का जय जयकार हो रहा होगा। तीव्र गति से जाओ और हनुमान को ऐसे कपट जाल में फंसा लो कि वह एक पग भी आगे न बढ़ा सके। जाओ कालनेमी, विजयी भव।
पर्वत सागर नदी करते जाते पार, राम काज की लगन में उड़ चले पवन कुमार। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुधलीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुधलीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय श्री राम। आयुष्मान, आओ हनुमान। महात्मन, आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा? हाँ, ये भी जानते हैं, मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानते हैं, किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। रैन बसेरा नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता। सूर्योदय से पहले मैं अगर वहां नहीं पहुंचा तो वहां अंधकार छा जाएगा। भगवान मुझे आगे का मार्ग बताएं और आज्ञा दें। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। मुझे क्षमा करे भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। अच्छा? तुझे जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। सच महात्मन? हाँ। स्नान ध्यान करके तू आ जा, स्नान ध्यान करके तू आ जा, तो है बना लो चेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जी बहुत कृपा है आपकी,
मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जय जय राम श्री राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। राम शांति मिटाने के लिए राम करन गए कभी स्नान, मगर मच्छ के जाल में राम उलझ गए हनुमान। गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीरथ बड़े प्यार, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय राम का वास। कैसी लीला है? लीलाधर ने ही मेरे उद्धार के लिए ही आपको यहाँ भेजा है। हे पवनतने, मैं देवकन्या थी, ऋषि के श्राप से ये गति पाई। आपके चरण पकड़ने से मेरी श्राप मुक्ति हो गई, परंतु सावधान हनुमान जी, आपके पथ की वास्तविक बाधा वो कपट वेशधारी निशाचर है। वो मुनि नहीं, रावण का भेजा हुआ उसका अनुचर कालनेमी है। वो कपटी आपका वध करने आया है। रावण ने नहीं, कालनेमी को उसके काल ने यहां भेजा है। धन्यवाद देवी। श्राप मुक्त भाई आप सारा, कपि कीनो कल्याण, भेद बतावे साधु का हो गई अंतर ध्यान। जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। राम जय जय राम श्री राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। जय श्री राम। जय श्री राम। शुद्ध होकर आ गए तात, विराजमान हो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ, हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे। नहीं महाराज, मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा, तत्पश्चात दीक्षा भी ले लूंगा। हरे हरे हरे, ये कैसी उल्टी गंगा तात,
पहले दीक्षा ग्रहण कर, दक्षिणा की क्या आवश्यकता है? आपको आवश्यकता नहीं, परंतु मुझे है। हमारे नियम में पहले दक्षिणा फिर दीक्षा, उसके बिना गुरु मंत्र का फल नहीं मिलता। अच्छा बच्चा, जैसी तेरी इच्छा। जय श्री राम। ला दे, क्या देता है? अरे रे, ये क्या? यही तो है गुरु दक्षिणा, कपटी काल नेमी। तेरी कपट लीला जान गया मैं। जय श्री राम। जान गया तो ले। निशाचर, अंत समय तूने श्री राम के नाम का स्मरण किया है, जा, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। जय श्री राम। कर अपने प्रभु का नाम श्री हनुमान चले अविराम, श्री हनुमान चले अविराम। अद्भुत देव
प्रकाश जगमग करता गिरी हुआ जू पल भर में सुप्त आगंतुक को देख हुई दिव्य बूटियां लुप्त कान 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 हे दिव्य औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। देवताओं के परम मित्र प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र वीरवर लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु राक्षस राजपुत्र मेघनाथ के हाथों शक्ति लगने से घायल अवस्था में मूर्छित पड़े हैं। इस समय उनके प्राण संकट में हैं। मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा से वैद्य राजसूषेण के कहने से यहां आया हूं। आप मुझ पर कृपालु हो, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर सकूं। हनुमंत, हम तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न हैं। तुम्हारा हेतु धर्म में है। तुम जो चाहो इस पर्वत से मिल जाएगा। सारा उजियारा ही उजियारा, यह भव्य पहाड़ सुरक्षित है देवों गंधर्वों द्वारा। झिलमिल कर पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा, औषधियों ने आंखें खोली, हनुमान से जैसे बोली, रघुराज के काज सवारन को कर लो उपयोग हमारा, कर लो उपयोग हमारा, हो जीवन धन्य हमारा। कौन सी है मित्र संजीवनी, क्या पहचान है इस संजीवनी की? हनुमान, एक एक पल मूल्यवान है, व्यर्थ में समय नष्ट ना कर, उठाकर ले चल पूरा पर्वत ही, वैद्यराज स्वयं पहचान लेंगे संजीवनी। जय श्री राम। संजीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान, पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान। जय 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 हनुमान। कपि कर पहुंचे वहां जहां जन्म जगदीश,
पद कोई नगर पर मंडरावे अवधेश दिया दूत ने भरत को जाकर ये संदेश निश्चर आयो जानी कर भारत चलायो तीर राम राम कहे गिरी सहित भूमि गिरे महावीर ये तो कोई रामभक्त मालूम होता है। हे प्रभु, ये मैंने किसे मार दिया? कौन है आप? होश में आइए, चेतना में आइए। बोलिए, कौन है आप? उठिए। मूर्छा में भी राम नाम का जाप करने वाले महात्मा आप कौन है? कृपया आंखें खोलिए और आप जैसे राम भक्त पर जिसने बाण चलाया ऐसे मुझ पापी को या दंड दीजिए या क्षमा कीजिए, परंतु एक बार आंखें खोलिए। आपको श्री राम की सौगंध है, यदि मैंने मन वचन और कर्म से केवल श्री राम के ही चरण कमलों से प्रेम किया है तो आप स्वस्थ होकर उठ बैठेंगे। उठिए, आपको श्री राम की सौगंध है। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कोसला जीसा, कही जय जयति कोसला जीसा। लीन कपि ही उरलाय पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाय सुमिर राम रघुकुल तिलक। हे महात्मा, पूर्ण जांच किए बिना आप पर बाण चला दिया, इसके लिए भरत आपसे क्षमा याचना करता है। भरत? हाँ, दशरथ पुत्र भरत, आप तो मूर्छा में भी राम नाम का जाप करते रहे। हे परम भक्त महात्मा, अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। स्वामी, मेरे परिचय का क्या मोल? मैं तो श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूं हनुमान। परिचय तो आज आपका पाकर मैं कृत कृत हो गया। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे स्वामी श्री राम दिन रात जिन भरत का गुण गाते नहीं थकते, उन्हीं देवता भरत को अपने नेत्रों से देख सका, मेरे नेत्र सफल हो गए प्रभु। क्या क्या कहा आपने? श्री राम मुझे याद करते हैं, क्या यह सच है? भैया मुझे भी याद करते हैं कभी कभी? वो तो सोते जागते उठते बैठते आपको इस प्रकार याद करते हैं जैसे कोई भक्त
भगवान का स्मरण करता है। आपके प्रति उनका स्नेह देखकर तो कभी कभी दूसरे भक्त ईर्ष्या करने लगते हैं। हे महात्मा, ये कहकर आपने मेरे डूबते हुए प्राणों को फिर से उबार दिया है। श्री राम विरह की धूप से जो खेती सूख गई थी, उसे श्री राम स्नेह के जल से आपने फिर से हरा भरा कर दिया। आपने मेरे भैया का समाचार मुझ तक पहुंचाया, इस उपकार के लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। कृपया मुझे और भी बताइए, मेरे भैया इस समय कहां है, वो कैसे है, भाभी कैसी है, और वो बड़भागा लक्ष्मण जिसे भैया की सेवा का अवसर मिला है, वो मेरा छोटा भाई कैसा है, वो सब कुशल से तो है ना? बोलिए, सब कुशल से है ना? कहिए कहिए ना, सब कुशल से तो है ना? सब आनंद से है ना? कहिए, कुछ बोलिए। कुशल राम सिया लखन की पूछत भरत कुमार, कहा कहे कहा ना कहे, हनुमत करत विचार। राम कथा संक्षिप्त भरत सो कपि कहि डारी, सुन कर भय अधीर भरत से धीरज धारी, बिलख बिलख प्रभु व्यथा भरत सो कपि कहि डारी। महाराज भरत, ये समय इन बातों का नहीं, आप जैसे वीर पुरुष को धीरज रखना चाहिए। अब मुझे आज्ञा दें, मुझे रात ही रात वहां पहुंचना है, कहीं सूर्य देव उदय हो गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं हनुमान, सूर्य में इतना साहस नहीं कि वो लक्ष्मण के प्राण को संकट में डाल सके। मैं एक ही बाण में उसका रथ तोड़कर उसकी गति स्थगित कर दूंगा। हनुमान, तुम वहां धैर्य और विश्वास के साथ जाओ, तुम्हारा वहां शीघ्रता से पहुंचना अति आवश्यक है, इसलिए मैं शक्ति बाण का संधान करता हूं। तुम उस औषध पर्वत के साथ मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, तुम्हें यह शीघ्रता से वहां ले जाएगा। नहीं महाराज भरत, आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, प्रभु श्री राम की मुझ पर ऐसी कृपा है कि उनका नाम लेते ही मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। पश्चाताप।
बल व्याकुलता बढ़े छिन छिन छीजे रेन कर विलाप हर मनुज सम कहत बंधु से बैन मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे बोल कछु जैसा हत भागा मेरे रहते वान शक्ति का तेरे तन में लगा जा नहीं सकता तोड़ कैसे मुझसे नेह का धागा मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा भैया को रुला रे बोल कछु बोल बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए चुप रह के मेरा धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल रे मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल वैद्यराज वैद्यराज मैं बूटी ले आया अरे महावीर तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए क्या करता वैद्यराज मैं ठहरा अज्ञानी आयुर्वेद आचार्य तो हूं नहीं जो जड़ी बूटी की पहचान कर लेता इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया हूं आप अपने आप पहचान कर लीजिए ना उस संजीवनी की चलिए वैद्यराज जी
क्या यही है संजीवनी? हाँ यही है संजीवनी। ठहरो, उतावले ना हो कपिराज। आरोग्य दायिनी औषधियाँ प्रकृति का वरदान होती हैं। इन्हें श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। जय भगवान धन्वंतरी। हे दिव्य औषधि, हे प्राणदायिनी माता संजीवनी, मैं सुषेण वैद्य एक परम वीर सूर्यवंशी राजकुमार के जीवन की भिक्षा तुमसे मांगता हूँ। हे मंगलकर्णी, अपने गुणों को प्रकट करो। अपने दिव्य प्रभाव से आरोग्य शास्त्र के आयुर्वेदिक सिद्धांत को सत्य सिद्ध करो। माता, एक धर्मरत मानव के कल्याण के लिए आपकी पत्तियों की आवश्यकता है। अपनी पत्तियों से मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें। युद्ध भूमि में नहीं है भैया। आप यहां? मैं यहां कैसे पहुंचा? धीरज रखो सौमित्र, बहुत बड़ा संकट आया था। संकट? हाँ मेरे भैया, और रघुकुल पर आए संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने। ये काल लेनी भी कुछ काम का नहीं निकला, एक वानर को भी नहीं रोक सका। अगर रोक लेता तो अभी तक दूसरा भाई भी छोटे के दुख में पागल होकर मर जाता। परंतु आप चिंता न कीजिए पिताश्री, आज मैं वो अमोल प्रयोग करने जा रहा हूं जिसके प्रयोग मैंने आज दिन तक इसलिए नहीं किया कि किसी आपत्काल में ही उसका प्रयोग करना उचित होगा। अब वो समय आ गया है। आज मैं कुलदेवी निकुंभ मिला के गुप्त मंदिर पर जाकर वो तांत्रिक यज्ञ करूंगा जिससे कि मुझे वो देवी रथ प्राप्त होगा जो कि अजय है।
परंतु आप ये सूचना गुप्त रखिए, जहां तक कि रणवास की रिश्तियों को भी पता न चले, जिससे कि मेरा यज्ञ संपूर्ण होने तक किसी को भी यह सूचना न मिले कि मैं कहां हूं। आप राक्षसी सेना के साथ महाभट योद्धाओं को युद्ध में भेज दीजिए, जिससे कि वानर सेना के साथ दोनों भाई भी उसमें उलझ जाएं और उन्हें भी पता न चल पाए। मेघनाद, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, परंतु युद्ध का समय है, शत्रु हमारी धरती पर है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें थोड़ी सेना साथ रखनी चाहिए बेटे। आप चिंता न करें पिताश्री, मेरे विश्वास पात्र योद्धाओं का एक दल मंदिर की रक्षा करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने महल में गए बिना सीधा वहां जाता हूं। आज दोपहर तक मेरा यज्ञ संपूर्ण होगा, फिर होम से प्राप्त उस दिव्य रथ में बैठकर मैं सीधा युद्ध भूमि में जाऊंगा। आप विश्वास रखिए पिताश्री, आज का सूर्य उन दोनों भाइयों के मृत्यु के पश्चात अस्त होगा। जाओ बस, विजयी होकर लौटो, विजयी हो। विजय का आशीर्वाद दो। पर इतनी बड़ी आपत्ति आई और आपने मुझे इसका आभास तक नहीं होने दिया। संकट की इस घड़ी में मुझे पूरी सेना सहित आपकी सहायता के लिए आने की आज्ञा दें। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। नहीं 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 भैया, क्या बात है, किसे नहीं कह रहे थे? उसी पगले को। पगला? कौन पगला? वही भरत। भरत भैया? हाँ, वही तेरे भरत भैया। पूजा में बैठे हुए ऐसे लगा जैसे भरत इस समय बहुत विक्षिप्त है। मैं उसके हृदय की वेदना जैसे अनुभव कर रहा हूं। अवश्य विक्षिप्त होंगे, हनुमान ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। ऐसे में किसी का भी हृदय कैसे स्थिर रह सकता है? मैं उनके स्थान पर होता तो योद्धा की सारी सेना लेकर चल दिया होता। नहीं नहीं भैया, यह भी तो हो सकता है भरत भैया सचमुच सेना लेकर चल दिया हो। नहीं, भरत ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा को समझता है, वो मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या छोड़कर कभी नहीं आएगा। परंतु जब आप ही संकट में हो
आपकी सहायता के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। कौन है वहां आपके बाद आज्ञा देने वाला? गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा लेनी होगी और वो अवश्य उससे कहेंगे कि राम वनवास की अवधि तक अयोध्या की किसी संपत्ति का कोई प्रयोग नहीं करेगा। गुरुदेव धर्म और मर्यादा को समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि मेरे लक्ष्मण के रहते मुझे किसी सेना की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण अकेला ही कई सेनाओं पर भारी है। भैया आप मर्यादा की सीमा हैं, परंतु कुछ भी कहिए, अगर मैं होता तो मैं सेना लेकर चल दिया होता। परंतु भरत मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या को आरक्षित छोड़कर एक पग भी नहीं उठाएगा। मैं उसे जानता हूं लक्ष्मण, भरत जैसा महापुरुष धरती पर बिरला ही पैदा होता है। उसे हृदय से नमस्कार करो। की पवित्र माटी, मैं अपने छोटे भाइयों को तेरी गोद में छोड़कर आया हूं। उनकी रक्षा करना, उनकी चिंता दूर करना। प्रभु प्रभु एक महत्वपूर्ण समाचार है। क्या समाचार है? प्रभु मेरे गुप्तचर समाचार लाए हैं कि इंद्रजीत आधी रात से देवी निकुम्बला के मंदिर में एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। तो क्या हुआ? वो यज्ञ उसे मेरे हाथों से बचा लेगा? आप नहीं जानते लक्ष्मण भैया, यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, और जब तक इंद्रजीत उस रथ पर बैठा रहेगा तब तक इंद्रादि सभी देवता मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सकते। ये स्वयं ब्रह्मा जी का उसे वरदान है। जी का वरदान? हाँ, एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था और अपने साथ ले जा रहे थे, तब इंद्रजीत ने अपने अंतर्धान होने की मायावी विद्या का प्रयोग करके अदृश्य रूप में इंद्र के रथ पर जाकर न केवल अपने पिता के बंधन खोल दिए अपितु इंद्र को बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले आया। तब स्वर्ग में सारी व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से अलंकृत कर दिया। हे वीर मेघनाथ, हम तुम्हारे प्रचंड पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। आज से तुम तीनों लोकों में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगे, जिससे इंद्र की ख्याति सर्वदा के लिए कलंकित रहेगी। अब हम तुमसे स्वर्गलोक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवराज इंद्र को मांगते हैं। पितामह, आप स्वयं मांगने आए हैं तो इंद्र को लौटा दूंगा, परंतु उसके उपलक्ष में मुझे क्या देंगे? इस उपलक्ष में तुम जो भी वरदान मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तो हे पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो। ये असंभव है इंद्रजीत, क्योंकि ये प्रकृति के विधान के प्रतिकूल है। अरे मानव तो क्या, देवता भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, हम तुम्हें इतना वर देते हैं कि जब भी तुम अपनी कुल देवी निकुम्भिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो उसकी होम अग्नि में से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे, और तुम्हें ब्रह्मश्री नामक अस्त्र भी प्राप्त होगा। तुम जब भी उस रथ पर आरूढ़ रहोगे कोई न तुम्हें परास्त कर सकेगा न मार सकेगा। हमारा यह वरदान स्वीकार कर लो वत्स। मुझे
मुझे स्वीकार है। हे इंद्रजीत, निकुंभला के स्थान पर पहुंचने और वहां हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने से पहले जो शत्रु तुम्हें मारने के लिए आक्रमण करेगा उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा, ये भी याद रखना। यदि कोई देवी के गुप्त स्थान पर पहुंचेगा तो ही आक्रमण करेगा ना प्रभु। इसी प्रकार उसकी मृत्यु का विधान किया गया है। यही अवसर है कि लक्ष्मण भैया अपने मुख्य योद्धाओं और सेना सहित उन पहाड़ों में स्थित निकुंभला के मंदिर पर इसी समय आक्रमण करें। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं उस राक्षस कुमार की जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। अवश्य, परंतु युद्ध बुद्धिमानी के साथ करना। उस महाभयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूं, वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता है, बुद्धिमान और बड़ा मायावी होने के साथ साथ परम वीर भी है। इंद्रजीत जब रथ में बैठकर आकाश में विचरने लगता है तो बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए हे सौमित्र, तुम वानरराज सुग्रीव, हनुमान और जामवंत आदि सारे युद्धपतियों के साथ जाओ। निकुंभला का मंदिर जानने के लिए किसी गुप्तचर को भी ले जाओ। प्रभु, वहां पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा और टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैं वो मार्ग जानता हूं जो छोटा और गुप्त है। लक्ष्मण को उस मार्ग से सेना सहित शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। परंतु हमें आपको साथ भेजने में संकोच है। क्यों प्रभु, मुझ पर विश्वास नहीं? हमारे संकोच को अन्यथा न समझे महाराज विभीषण, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि इस परिस्थिति में संकट है और हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहते। आप ठीक कह रहे हैं भैया, वहां बहुत संकट है, परंतु आप निश्चिंत रहें, आपके लक्ष्मण के रहते महाराज विभीषण का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कंधर्वराज कुबेर ने स्वयं प्रकट होकर मुझे बताया है कि युद्ध में मेघनाथ महाराज विभीषण पर यम अस्त्र का प्रहार करेगा। यह अस्त्र उसने इन्हीं के लिए संभाल कर रखा है। कुबेर ने मुझे उसके तोड़ की विधि और उस अस्त्र को संहार करने वाले दूसरे अस्त्र का भी ज्ञान दिया है। भैया, आप निश्चिंत होकर हमें जाने की आज्ञा दें। हम इन्हें तुम्हारे भरोसे पर भेज रहे हैं लक्ष्मण, याद रखना हमने इन्हें लंका नरेश बनाने का वचन दिया है। उस वचन को सत्य करने के हेतु इनकी सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों का भी मोह नहीं करेंगे। भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, यदि आज मैंने मेघनाथ का वध नहीं किया तो मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। जोते ही आज बधे बिनुआवा तो रघुपति सेवक न कहावो, जो सत्संकर करही सहाय तदपि हता रघुवीर दोहाय। जाओ वीर, विजयी हो। ज्वाले 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 ज्वाले।
प्रज्वल प्रज्वल हे मृं मृं चम दाय विचे चलो हम चम चम फट ओम ह्रीं क्लीं निकुम्बलाय देव्याय नमः। सुमित्रा नंदन, वो देखिए उस गुफा में हमारी निकुम्बला देवी का मंदिर है। उसी के द्वार पर मेघनाथ के वीर सैनिक पहरा दे रहे हैं। वो अंदर बैठा है, उसका रथ बाहर खड़ा है, वो होम कर रहा है। ओम ब्रीम 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 चामुंडाय विच्चय ओम ब्रीम 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 सब चले 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 प्रचल प्रचल ब्रीम 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 चामुंडाय विच्चय चले हम सब हम चल फटवा। अपने सैनिकों से कहो कि इन प्रहरियों पर टूट पड़े और शत्रु सेना का मोर्चा तोड़कर अंदर जाने का मार्ग बना लें। महाराज सुग्रीव, वो मार्ग खुलते ही आप अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ अंदर चले जाएं और जिस प्रकार हो सके उसके यज्ञ का विध्वंस करके उसे अपनी तांत्रिक पूजा अधूरी छोड़ने पर विवश कर दें। फिर मेघनाथ बाहर आएगा और लक्ष्मण उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे। शीघ्रता कीजिए महाराज सुग्रीव। जो आ गया। हर हर महादेव। राक्षस बानर भीतर हो रहे मंत्रोच्चार लांघ के सिंधु जो आ गए लंका ना उनको दुर्लभ कोई द्वार हाथन से हथियारन से कई कारण से रहे यज्ञ बिगार यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ की अग्नि बुझाए बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करें पावन यज्ञ अशुद्ध करें यज्ञ को हेतु मिटावन हेतु निरंतर सैनिक युद्ध करें निरंतर सैनिक युद्ध करें साधक का आराधक का पथ साधक का आराधक का पथ बाधक बन अवरुद्ध करें आसन से नहीं डोले रथिंद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें आसन से नहीं डोले रथिंद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें। ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा कपिल सहित हनुमान विघ्न सृष्टि बहुविधि करे अविचल शैल समान मेघनाद रथ यज्ञ में इंद्र जी
मेघनाथ की ललकार से लगता है कि हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जी उसके यज्ञ का ध्वंस करने में सफल हो गए हैं। अब मेघनाथ बाहर आएगा और अपने रथ पर बैठकर उस वटवृक्ष की ओर जाएगा। वटवृक्ष की ओर? हाँ, आप मेरे साथ आइए, हमें उसके पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। लक्ष्मण भैया, मेघनाथ युद्ध में जाने से पहले एक बार यहां अवश्य आएगा। क्यों? वो यहां आकर भूतों की बलि देता है, उसके बाद ही युद्ध के लिए प्रवृत्त होता है। इसी तांत्रिक कर्म के प्रभाव से वो संग्राम भूमि में अपने शत्रुओं पर विजय पाकर उन्हें बंदी बना लेता है। आज उसे यह कर्म भी पूरा ना करने दीजिए। उसके आते ही उसे युद्ध में ललकार कर आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस का संहार कीजिए। वो आता ही होगा। लक्ष्मण भैया, अपने बाणों का संधान करके सावधान रहिए। राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं, अपने अस्त्र उठाकर सावधान हो जाओ। अवश्य लक्ष्मण। तुम दो दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, परंतु आज तुम यहां से जीवित लौट कर नहीं जाओगे। मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु उससे पहले मुझे अपने देशद्रोही कुलद्रोही काका को प्रणाम कर लेने दो। विभीषण काका, देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने वो पद भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूं, फिर भी मेरे गुप्त और मार्मिक स्थानों पर जहां लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते, आज तुम वहां शत्रु को ले आए हो। हा, मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो गए हो। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ, तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दासता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। मेघनाथ, तुमने स्वयं कभी बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा और दूसरों को मर्यादा का पाठ सिखाने जा रहे हो। मूर्ख, मैंने जो किया है अपने देश की जनता की भलाई के लिए किया है। तुम और तुम्हारे पिता सबको अधर्म की नाव पर बिठाकर मझधार में डुबोने जा रहे हो, परंतु मैं अपने देशवासियों को धर्म के मार्ग पर लाकर तुम्हारे पापों से उनकी रक्षा करना चाहता हूं। अधर्मी, अन्यायी, क्रूर और अत्याचारी राजा का परित्याग करना देशद्रोह नहीं कहलाता। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए विषैले सांप को त्याग देने से प्राणी निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता है, जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। परस्वहरणे युक्तम परदाराभिमर्शकम त्याज्य महादुरात्मानम वेशम प्रज्वलितम यथा। तुम्हारे पिता के इन्हीं पापों के कारण
अब ना ये लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा, न तेरा पिता रहेगा। इससे पहले तुम नहीं रहोगे, तुम लंका का कलंक हो। लंका की पवित्र धरती पर जीने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां यमराज तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देंगे। करने से ये कब तक जीवित रहेगा, और फिर तुम ही कहां तक जीवित रहोगे, पहले तुम्हारा ही कल्याण कर दूं। पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना। किया लखन पर घा
शिव भी आज विमुख हुए, जिन पर था विश्वास। ओ नारायण अस्त्र से फिर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, उसका कोई भरोसा नहीं। जाने क्या चाल चल रहा हो, तुम सावधान रहो।